हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तो गाइस, यदि आप भी कॉमेडी वीडियोस का चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, कॉमेडी वीडियोस बनाना चाहते हो, अमित बडाना, हर्ष बेनीवाल, इलविश यादव या मेरी तरह आप कॉमेडी वीडियोस बनाना चाहते हो, क्या सुना आपने? मेरी तरह? सही सुना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल विजिट नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप पर वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। मैं भी कॉमेडी वीडियोज बनाता हूँ, काफ़ी अच्छी आपको लगेंगी। एक बार उसे देख कर जरूर बताना और कमेंट जरूर करना वहाँ पर कि हम फटे गुरु जी चैनल से आए। तो गाइस, अगर आप भी कॉमेडी वीडियोस बनाना चाहते हो या कोई भी टॉपिक पर सीरियस वीडियोस, कोई भी फिल्में बनाना चाहते हो, हम शुरुआत में सिर्फ कॉमेडी वीडियोस की बात करते हैं। मान के चलो कि आप कॉमेडी वीडियोस बनाना चाहते हो, तो एक चैनल स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा? तो सबसे जो पहली चीज़ आती है कॉमेडी वीडियोज़ बनाने के लिए, आपके पास एक कहानी होनी चाहिए। ये जब अगर आपके पास एक कहानी है, और ये कहानी ये नहीं है सिर्फ इस वीडियो के लिए, जब भी आप कोई वीडियो बनाओगे तो हर बार आपको कहानी की जरूरत पड़ेगी, तो वो कहानी आपके पास हमेशा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने दो चार वीडियो बनाए फिर चैनल बंद, क्योंकि फिर सोच रहे हैं कि अब क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए। तो इस चीज़ से कॉमेडी वीडियोज़ नहीं चलती, आपको रेगुलर अपने ऑडियंस के लिए वीडियोज़ देनी पड़ेंगी। तो कैसे हम एक कहानी लिख सकते हैं, तो उस वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ कि हम कैसे कहानी बना सकते हैं, तो उसका लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप वहाँ पर उसे वॉच कर सकते हो। तो इस चीज़ को आपको सबसे पहले कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि हमें एक कहानी चाहिएगी। कहानी के बाद कॉमेडी वीडियोज बना, अगर आप सिंगल यूज में कॉमेडी बना सकते हो, आप सिंगल पर्सन हो, किसी को अपनी टीम में नहीं लेना चाहते हो, सिंगल ही लाइक बीबी की वाइंस की तरह आप वीडियो बनाना चाहते हो, तो बहुत अच्छा, आप किसी टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं आउटडोर वीडियो शूट करूंगा और काफ़ी बड़ी टीम के साथ एक अपनी कॉमेडी वीडियोज बनाऊंगा, तो अपनी टीम को अच्छे से सर्च करें और ऐसे ऐसे कलाकार चूज करें जिन पे वाकई ही एक्टिंग आती हो। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, सिर्फ डायलॉग से मतलब होता है कि हम डायलॉग बोल रहे हैं, ठाकुर साहब मैं तुझे मार डालूंगा, ये कोई एक्सप्रेशन, इसके एक्सप्रेशन के साथ जो डायलॉग बोले वही अच्छा कलाकार होता है। सिर्फ डायलॉग बोलने से ही कोई कलाकार नहीं बन जाता। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपकी टीम के मेंबर जो होंगे वो अच्छे कलाकार होने चाहिए, उनमें डायलॉग डिलीवरी का टैलेंट हो। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपके पास वीडियो शूट करने के लिए इक्विपमेंट होना चाहिए, चाहे वो फ़ोन हो या फिर DSLR हो, कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। और जो चौथी चीज़ आपको कॉमेडी वीडियोज़ में सबसे पहले ध्यान में रखनी है, वो है आपकी वॉइस। अगर आपने वीडियो बना ली लेकिन आपकी वीडियोज़ में वॉइस अच्छे से नहीं आ रही, तो वो कॉमेडी वीडियो किसी काम की नहीं है। तो आपकी वॉइस अच्छे से उभर के आनी चाहिए आपकी वीडियोज़ में। हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब आप कॉमेडी वीडियो स्टार्ट कर रहे हो, आपको पता नहीं हो कि वीडियोज में आवाज़ कैसे ली जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में जब आपको कोई बोल रहा है कि कॉमेडी वीडियो चलती है आपकी वॉइस के ऊपर, क्योंकि जो सीन वो उसको देख रहा है तो उसे फील करेगा, तो सुनना भी अच्छा लगेगा, तो आपकी वॉइस अच्छे से उसमें आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने वॉइस को इन्हेंस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको माइक यूज करने पड़ेंगे अपनी वीडियोज के दौरान, या आप डबिंग कर सकते हो, तो वो डबिंग करते भी आप अपनी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट दिला सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगे कि माइक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हमारी वॉइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी वीडियोज़ के लिए। तो दूसरा है लोकेशन, आपको अच्छे से अपनी शूटिंग के जो आपकी कहानी है उसके अनुसार आपकी लोकेशन होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखेंगी। कॉमेडी वीडियो बनाने से पहले इन चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने ये स्क्रिप्ट लिख दी है, इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये कलाकार मुझे चाहिएंगे और इस लोकेशन पर मैं ये शूट करूंगा, ये आपके माइंड में होना चाहिए। शूटिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होते हैं, काफ़ी चीज़ें हम भूल भी जाते हैं, तो एक पेज में पहले ही नोट डाउन कर लीजिए कि सीन नंबर 1 में ये कलाकार चाहेंगे, इस जगह पर मैं शूट करूंगा। किसी की स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, स्क्रिप्ट अगर आपकी लंबी है तो उसका पेज नंबर भी नोट डाउन कीजिए उस सीन का आगे, कि सीन नंबर 1 इस पेज नंबर पे है या सीन नंबर 3 इस पेज नंबर पे है, इसके लिए ये कलाकार चाहेंगे और इस जगह पर मैं शूटिंग करूंगा। ये चीज़ें आपकी मेंशन होनी चाहिए शूटिंग स्टार्ट होने से पहले, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि शूटिंग में खुद भी जब शूटिंग करता हूँ तो काफ़ी चीज़ें भूलने, जब मैंने स्टार्ट किया तो काफ़ी चीज़ें भूल जाता था, तो इस चीज़ को मैंने नोटिस किया, तो मैंने स्पेशल इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है कि मैं पहले से इस चीज़ को नोट डाउन कर लेता हूँ कि इसमें ये कलाकार चाहेंगे और इस जगह पर होगी और ये सीन इस पेज नंबर पर, अगर हमारी स्क्रिप्ट काफ़ी बड़ी है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक स्क्रिप्ट के दौरान। जब हम वीडियो स्टार्ट शूटिंग करने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी कॉमेडी वीडियोस को शूट करते वक्त। उससे पहले जो आपको स्ट्रेटजी अपनानी है वो इस तरह की होती है। तीसरा, जब आपकी शूटिंग हो जाए तो उसके दौरान आपको एडिटिंग करनी है, एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उसमें साउंड इफेक्ट अगर आप लगाना चाहते हो
क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि बिना साउंड इफेक्ट के बिना म्यूजिक के भी वीडियो एडिट करते हैं, उनकी काफी अच्छी रिस्पॉन्स करते हैं, तो उनके शूटिंग का जो मेथड है वो इसी तरह का होता है। लेकिन कुछ अपनी वीडियोज में साउंड इफेक्ट भी लगाना चाहते हैं, म्यूजिक भी लगाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी वो शूट करते हैं। इसकी शूटिंग ड्यूरेशन और जो बिना साउंड इफेक्ट बिना म्यूजिक वाली शूटिंग होती है उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। ये आने वाली वीडियोज में मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा क्या चेंजेस होता है कि कुछ सीन के लिए म्यूजिक चाहिए होता है, कुछ सीन के लिए नहीं चाहिए होता है, कुछ के लिए साउंड इफेक्ट के लिए हमें स्पेशल वो वीडियो शूट करनी पड़ती है, लेकिन जिनको नहीं चाहिए होता, जो अपनी वीडियोज में साउंड इफेक्ट नहीं लगाते, तो वो अलग से भी वीडियो शूट कर सकते हैं। ऐसी कोई चीजें नहीं होती, आप समझ सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीजें अपनी वीडियो शूटिंग के दौरान आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अवेयर हो जाइए इन चीजों को, अपनी एक टीम बनाइए, अच्छे से कैमरा लीजिए, एक माइक रखिए, साथ ही अपनी स्क्रिप्ट में उन लोकेशंस को मेंशन कीजिए जो आपके लिए जरूरी हो सकती है। तो ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा मीरा मूवी चैनल विजिट नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर उसे विजिट कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसे जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे देखने को मिले। तो हेल्थ से रिलेटेड भी वीडियो आएंगी। जय हिंद, जय भारत।